हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि रेलवे में ऑटो अपग्रेड सिस्टम क्या है? दोस्तों, अगर आप भी ट्रेनों से यात्रा करते हैं तो आपको ऑटो अपग्रेड सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ऑटो अपग्रेड सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तो आप लोग जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको इसके बारे में अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, ट्रेनों से यात्रा के दौरान आप और हम आए दिन टिकट का प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग IRCTC से या फिर काउंटर से टिकट कराते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि इसमें बहुत सारी रेलवे ने फैसिलिटी भी दी हुई है, जिसमें एक ऐसी फैसिलिटी भी है जिसके बारे में शायद ही आप सभी को मालूम हो। तो इसमें हम आज बात करेंगे उसी एक ऑप्शन के बारे में जिसका नाम है ऑटो अपग्रेड सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, अगर हम IRCTC ऐप से या फिर उसकी वेबसाइट से टिकट बुकिंग करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन शो होता है जिसका नाम है कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन, जिसको अगर हम लोग चेक मार्क करते हैं तो हमें बहुत बड़ा लाभ मिलता है। अब ये लाभ क्या मिलता है इसके बारे में जरा सा हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों, मैंने स्लीपर क्लास का कोई टिकट बुकिंग किया, उस टिकट को बुकिंग करते समय मैंने कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन को एनेबल किया, तो अगर हमारा स्लीपर क्लास का जो टिकट वेटिंग में रह जाता है तो हमारे टिकट को ऑटोमेटिक अपग्रेड करके उसको थर्ड AC के क्लास में बदल दिया जाएगा। अर्थात थर्ड AC में अगर कोई सीट खाली है तो हमारे स्लीपर वाले टिकट को अपग्रेड करके AC वाले सीट पर हमको बैठा दिया जाएगा, अर्थात दे दिया जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए अगर सेकेंड AC में कोई सीट खाली है तो थर्ड AC वाले जो पैसेंजर हैं उनकी टिकट को अपग्रेड करके सेकेंड AC में उनको सीट दे दिया जाएगा, और हमारे स्लीपर क्लास वाले वेटिंग टिकट को अपग्रेड करके थर्ड AC में हमको सीट दे दिया जाएगा। तो इसी को रेलवे ने ऑटो अपग्रेड सिस्टम का नाम दिया, और इससे जो है पैसेंजर को तो लाभ होता ही है, साथ ही रेलवे को भी लाभ होना सुनिश्चित हो जाता है, क्योंकि रेलवे के उच्च श्रेणियों में बहुत सी ऐसी सीटें हैं जो कभी कभी बुकिंग नहीं होती है। इस स्थिति में रेलवे नीचे वाले जो क्लास के जितने भी पैसेंजर हैं उनको ऊपर की सीट जो है प्रोवाइड करा देती है इस ऑप्शन के माध्यम से।